हमारा ब्रह्मांड बहुत रहस्यों से भरा हुआ है दोस्तों। आज हम बात करेंगे विस्फोटक तारों के बारे में। विस्फोटक तारे एक्सप्लोसिव स्टार्स, इसको नोवा कहते हैं। 1054 ईस्वी में अचानक टारस तारामंडल में एक नया तारा चमक उठा। यह इतना चमकदार था कि शुक्र ग्रह भी इसके सामने फीका पड़ गया। इस तारे से आने वाला प्रकाश आकाश में उपस्थित सभी तारों के कुल प्रकाश से भी अधिक था। इस घटना का उल्लेख उस काल के चीनी और जापानी साहित्य में मिलता है। कुछ महीनों तक यह तारा चमकता रहा, फिर धीरे धीरे धुंधला पड़ गया और दृष्टि से ओझल हो गया। सन 1572 में टाइको ब्राहे ने कैसिओपिया तारामंडल में एक ऐसा ही दूसरा चमकदार तारा देखा। इसकी चमक तो इतनी थी कि यह दिन में भी दिखाई पड़ने लगा था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी ऐसे 5 तारे देखे गए थे। ये तारे एकाएक चमकदार हो उठे और धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते थे। इस प्रकार वे तारे नोवा कहलाए। नोवा एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है नवीन, नया। आज के वैज्ञानिक भली बात जानते हैं कि नोवे एक नए तारे होने के बजाय पुराने तारे हैं जिनमें किसी कारण से विस्फोट हो जाता है और विस्फोट के बाद ये तारे पूर्णतः समाप्त नहीं होते। हमारी आकाशगंगा में ऐसे कई सौ तारे खोजे जा चुके हैं। आज भी बहुत से तारों में विस्फोट होते हैं, किंतु ऐसे 10 विस्फोटों में मात्र हमें एक विस्फोट का ही पता चल पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विस्फोट के बाद भी ये तारे इतने चमकदार नहीं हो पाते जिनका आभास हमें हो सके, और अक्सर वो प्रकाशें अंतरिक्ष के गैसीय बादलों के पीछे छिप जाते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा सबसे शक्तिशाली विस्फोट करने वाले तारे सुपरनोवा कहलाते हैं। विस्फोट के समय उनकी ज्योति हमारे सूर्य से लगभग 100 मिलियन गुना हो जाती है और धीरे धीरे यह घटती रहती है। इस प्रकार के विस्फोट बहुत कम होते हैं। अब तक ऐसे 3 विस्फोट के बारे में ही हमको जानकारी है, जिसमें गस्ट स्टार 1504 ईस्वी में हुआ था, टाइको नोवा 1572 ईस्वी में, केपलर नोवा 1604 ईस्वी में। विस्फोट के समय इनका कांतिमान लगभग 14 तक पहुंच गया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह बहुत ही अधिक चमकदार हो उठते थे। दोस्तों, ये थी नोवा और सुपरनोवा के बारे में कुछ जानकारी। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।